मैंने आपको बता दिया कि मैं कुश्ती से 21 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूँ। संजय सिंह भुइहार हैं, और मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ। मेरा रोल ही नहीं है, मेरा रोल समाप्त हो गया चुका है। जब तक मैं अध्यक्ष था तब तक था, चुनाव हो गया, कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 11 महीना से गरिया रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहे हैं, तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। आप जो है हमेशा अभी कोई ऐसा सवाल चुभता हुआ करेंगे, मेरे पास भाई और बहुत काम है मेरे पास, अब मैं अपना काम करूंगा। अरे भैया, परसों जब चुनाव हो गया तो दबदबा है कि नहीं है वो साबित हो गया, काम खत्म हो गया। संजय सिंह सहित सारे पदाधिकारी सेलेक्ट हुए। संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं, और क्षत्रिय संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। सर, एक सवाल है, अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं आप आज है? मिनिस्टर से? देखिए, वो मेरे नेता हैं, मेरे एक काम तो है नहीं, चुनाव आने वाले हैं, मैं कभी भी किसी से मिल सकता हूं। तो सर, एक सवाल, रेल मंत्री से भी मुलाकात की है? नहीं, इस सब घटना को लेकर नहीं। तो सर, अगर कोई बात होगी उनके स्तर की कोई बात होगी। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि मैं कुश्ती से 21 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूँ। सर, शुरुआती दौर से ही ये चल रही है खबर कि संजय सिंह आपके बहुत ही करीबी हैं। देखिए, करीबी तो आप भी मेरे हैं। संजय सिंह भुइहार हैं, और मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी या मेरे संबंध नहीं होंगे? सर, सरकार के फैसले से आपके दबदबे पर क्या असर पड़ेगा, जो आपका दावा था? देखिए, जो आई वो गई, अब मुझे आगे देखना है। भविष्य में कभी कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ेगा? है कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ेगा? कभी नहीं। अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई, क्योंकि पहलवान मेरा रोल ही नहीं है, मेरा रोल समाप्त हो गया चुका है, मेरा रोल समाप्त हो चुका है, मेरा कोई रोल नहीं होगी। आज के इस फैसले से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? आज का जो फैसला है उससे ब्रह्मभूषण पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आपके सामने बैठा हूँ, आप लोग इंतजार कर रहे थे, हमने तुरंत आपसे कहा कि आप अलग अलग पूछने के बजाय आप एक साथ आइए, मैंने आपको एक साथ बुलाया। अब आपको अगर कुछ लग रहा हो कि मैं बहुत नर्वस हूं और बहुत या इसको लेकर के टेंशन में हूं, मैं क्यों हूं टेंशन में? जब तक मैं अध्यक्ष था तब तक था, चुनाव हो गया। सर, एक सवाल है, बजरंग पुनिया ने कहा कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो महिलाओं को न्याय नहीं दिला पाए। मैंने उनसे सवाल किया सर कि आप टारगेट यौन शोषण के मामले में न्याय होना है या फिर अध्यक्ष पद है, तो उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट दोनों में है, हम इसी बात से दुखी है कि एक तो मामला चल रहा है, इधर अध्यक्ष पे कब्जा एक तरीके से ब्रजभूषण जी का ही। यौन शोषण, यौन शोषण का जो प्रकरण है वो अदालत में विचाराधीन है जी, इस पर उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, और व्यक्तिगत मुझको क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 11 महीना से गरिया रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहे हैं, उनको मुबारक, अपना काम कर रहे हैं, मुबारक। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, आपको लगता है पॉलिटिक्स हो रही है? यौन शोषण के मामले में 1 जनवरी में बैठे थे, मुझे याद है, और आज जाके अध्यक्ष पर पूरा मामला। देखिए, ये फर्स्ट से भी मिले थे सर, देखिए ये फर्स्ट डे से ही इसमें राजनीति है जी। अब आप देखिए कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ, कांग्रेस भी शामिल हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हुई, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, तमाम लोग हैं, क्या क्या करें, हम तो अपना झेल रहे हैं। सर, साक्षी मलिक पर क्या बोलेंगे, उन्होंने संन्यास लेने की भी बात की है? तो हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। उन्होंने संन्यास लिया, हमने भी संन्यास ले लिया, खत्म बात। सिंह साहब,
एक सवाल है, आप 12 साल कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं, आपके आखिरी के 11 महीने जो आप अभी कह रहे हैं, इसमें ऐसा क्या हुआ? आप जब अब अध्यक्ष नहीं है, आपको क्या लगता है ऐसा क्या? देखिए वो सब बातें कई बार मीडिया के संज्ञान में आ चुकी है, देश के संज्ञान में आ चुकी है, उन दोनों बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। ये बात मीडिया बंधु नहीं कह रहे हैं। आप जो है हमेशा अभी कोई ऐसा सवाल चुभता हुआ करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ा करके भेजा जाता है, आपको विशेष करके जितने लोग बैठे हैं उसमें आप अकेले हैं जो हमेशा उकसाने का काम करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, हाँ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है, मैं बेबाई नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है कि जो पुरानी बॉडी है उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल है आपके पास। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है। देखिए अब जो कुछ कहना है वो नई बॉडी कहेगी। हमने आप ये मान करके खुशी खुशी मेरे पास भाई है और बहुत काम है मेरे पास, अब मैं अपना काम करूंगा, अपना चुनाव देखूंगा। और उनको क्या कहेंगे जो इस सरकार के गठन के बाद कह रहे हैं कि सीधा प्रहार है कुश्ती को लेकर? पार्टी आला कमान से मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है? नहीं कोई। भूषण जी आप बात ठीक है, इतने लंबे समय से आप कंडक्शन से जुड़े रहे हैं, आपको बहुत तजुर्बा है, अनुभव है, ये बात ठीक है कि नई बॉडी करेगी, आपको क्या लगता है कि ये निलंबन अगर सब कुछ नियम कानून सुबह क्यों होगा? आप तो कुछ सोचते हो भाई, एक व्यक्तिगत राय आपकी क्या निलंबन होना के लिए? मैं व्यक्तिगत बताया गया है, सवाल का जवाब तो नहीं, तो अगर मुझे बताया गया तो मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी। नंदनी नगर में क्यों चुना गया? क्योंकि 4 दिन के अंदर कोई करा नहीं सकता। नंदनी नगर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और वहां भी रेसलिंग एकेडमी चलती है, पहला कारण तो वो हो गया। दूसरा 31 दिसंबर के बाद ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता, और देश के 2500 के 2500 फेडरेशन ने हाथ खड़ा कर दिया कि इतना जल्दी हम व्यवस्था नहीं दे सकते। अब अगर ये इसका कोई गलत मतलब निकाला गया हो तो इसके लिए आप लोग इंस्ट्रक्शन देना बंद करिए, आप लोग भी देते हैं, सब लोग देते हैं, इंस्ट्रक्शन देना मत करिए मीडिया वालों को, क्योंकि दुश्मन इसमें नहीं है, पूछने दीजिए जितना पूछना है। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। सर एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप कुश्ती से आपका काफी पुराना रिश्ता है और आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे में बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस, देखिए उनका एक रिएक्शन आता अब जो मुझे इतना गाली देता हो मैं उस पर क्या रिएक्शन दूं, उनको क्या सलाह दूं, वो उनका निर्णय है, उसमें हम उनको कोई सलाह नहीं दे सकते। सड़क पर छोड़कर आगे अब ये मेरा विषय नहीं है। आपको दुख हुआ वो देख के? देश ने सम्मान दिया था उनको, अब ये उन्हीं से पूछिए, हमारा विषय नहीं। ऐसा कहा जा रहा है भूषण जी की ये नया फ्रंट खुल जाता है, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, साक्षी मलिक का इस्तीफा, और तो उससे सरकार को असर पड़ रहा था, इसलिए ये कदम लिया गया, अब ये हम नहीं बता सकते, ये हमारा विषय है। पार्टी की तरफ से क्या आपको पीछे हटने के लिए कहा गया? क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि भाई दबदबा है कायम रहेगा, आज आप कह रहे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ। क्या पार्टी? अरे भाई आप रेस में आ गए मालिक, अरे भैया परसों जब चुनाव हो गया तो दबदबा है कि नहीं है वो साबित हो गया, काम खत्म हो गया, अब मैं रिटायर होगा अपने घर चला। सर साक्षी मलिक ने क्यों किसी खिलाड़ी का नाम हमसे लेते हैं? हमें क्या लेना देना है भाई, कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं, कि हमारी जीत है। सर जो अवार्ड वापसी की खिलाड़ियों ने उसको देख के आपको कैसा लगा? अरे भैया हम कहेंगे तो उस पर विवाद हो जाएगा, मेरे से ना करोगे।